मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारे हो, आज इस एपिसोड में मैं आप लोगों से कुछ एक कंसर्न्स शेयर करना चाहता हूं। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या कुछ लोग उसे आगे शेयर करते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं धन गुरु नानक से कम हम उन लोगों के साथ तो ये बात शेयर करें। वैसे तो हम सब लोग अवेयर हैं कि हम लोग जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं और जहर इनहेल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? कई बार मैं ये अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि भाई ये सरकार इतना हो हल्ला क्यों मचा रही है कोरोना को लेके, अगर हमको इतनी मिलावटी चीजों ने, इतने जहर ने नहीं मारा तो फिर कोरोना वहां क्या करेगा? यानी हम इतने अम्यून हो गए हैं जहर को, तरह तरह के जहर खाने को, कि कोरोना वहां क्या करेगा? वो तो सॉरी फील करके वापस जाएगा, लेकिन फिर भी सरकारों ने हो हल्ला मचाया हुआ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे परिवारों में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लोग गुजर गए, कोरोना से गुजर गए। ये अलग बात है कि कोई किसी भी बीमारी से मरा तो उसका कॉज ऑफ डेथ कोरोना ही लिखा गया, COVID-19 लिखा गया। चलिए, एक अलग बहुत बड़ी बहस का विषय है और इस पे बहुत सारे लोग बहस कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सरकार के आज्ञाकारी हैं। बॉसेस ने कहा, अफसरों ने कहा तो उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, कोई क्वेश्चन नहीं। वैक्सीन लगवाने के बाद अब वो किसी को सूट करती, किसी को नहीं करती है, लेकिन जैसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था, कोई गारंटी नहीं है, ना बनाने वाली कंपनी गारंटी है, ना कोई इंश्योरेंस है, कुछ नहीं कि आप मरेंगे नहीं, आप बीमार नहीं होंगे, आपको कोरोना नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की, लेकिन फिर भी लगाओ। ये तो कमाल है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, सिर्फ हमारे देश में हो सकता है, शायद मैं गलत हूं तो मुझे माफ करें। अब हम जो जहर खा रहे हैं, देखिए अगर आप अन्न से शुरू करें तो इतना फर्टिलाइजर, इतने पेस्टिसाइड उसमें डाले जाते हैं कि वो जहर ही बन जाता है। जब इस होड़ में ज्यादा कमाना है, ज्यादा पैदावार करनी है, हमने, मैं पंजाब के बारे में अगर कहूं, यहां ज्यादा इस्तेमाल होता है हरियाणा और पंजाब में, तो हमने अपनी मिट्टी खराब कर ली, अपनी सेहत खराब कर ली, अपनी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर खराब कर लिया। उस चूहा दौड़ में देश का पेट करना, अन्न भंडार भरने हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को मिला क्या, ये हमारे सामने है, हम सब जानते हैं। तो अन्न में जहर है, पानी, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर डालते हैं बहुत सारा कि ज्यादा पैदावार, जब बोने लगते हैं तभी से डालना शुरू करते हैं, फिर स्प्रे करते हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड्स। पंजाब में तो जो लोग खुद हैं वो कम काम करने लग गए हैं, ज्यादा तो लोग बाहर चले गए हैं, कुछ नौकरी करते हैं, और जो घर में रहते हैं वो भी थोड़े आराम परस्त हो गए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे खुद मेहनत करते हैं, लेकिन वो यूपी बिहार से जो लेबर आती है उन पर निर्भर है, कुछ मध्य प्रदेश से आती है, और उनको ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा डाल देना भाई, ये दवाई कंपनी वालों ने बताया जो बेचते हैं, तो थोड़ा और ज्यादा डाल देते हैं, कीड़ा नहीं बचना चाहिए, तो इतना डाल देने से जब वो सिंचाई करते हैं या बारिश होती है तो वो सारा पेस्टिसाइड्स और वो सारा फर्टिलाइजर धरती के नीचे चला जाता है पानी में, और वहां से हम नल लगा के वो पानी पीते हैं, या फिर वो पानी हमारी नहरों में, जैसे फैक्ट्रियां लगाई हैं, तरक्की के प्रमाण है वो, निशानियां तरक्की की, तो जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, बहुत हार्मफुल है, वो उसको ट्रीट करने की बजाय हमारे नदियों नालों में डाल देते हैं या गड्ढे खोद के बोरिंग करके नीचे डाल देते हैं, तो वो भी हम पीते हैं, और हम उठा उठा के उसको टंकियों में डालते हैं, और टंकियों से फिर वो हमारे घरों में आता है। नहरों से हम सिंचाई करते हैं, जो नहरें हैं, सुए हैं, कसी हैं, हमारे पंजाब में बोलते हैं, तो उससे फिर हम फसलों को लगाते हैं, यानी कुछ तो हमने
उसकी जड़ों में वैसे ही डाल दिया खेत में, कुछ हमने छिड़क दिया उसके ऊपर और कुछ नीचे चला गया, वो पानी में मिक्स हो गया। वही पानी नदियों नहरों, जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है, केमिकल वेस्ट, वो नहरों नालों में चला गया या नीचे धरती में चला गया, उसको उठा के हमने ट्यूबवेल से सिंचाई की या हमने अपनी टंकियां जो वाटर वर्क्स हैं उनमें भर लिया और फिर हमने उसको पिया। तो वो जो बुरे जो केमिकल्स हैं वो हर तरह से हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो हमारा पानी भी कंटामिनेटेड हो गया, हमारा अन्न भी खराब हो गया। अब आ जाइए हमारे फलों पे, अन्न में दालें वाले जो भी सब कुछ आ गया, अब हमारी सब्जियों और फलों पे आ जाइए। इस तरह की बीमारियां लगती हैं कि उनके लिए आपको स्प्रे करने पड़ते हैं, और वो भी खूब खाद डालते हैं, तरह तरह की खादें डालते हैं ताकि ज्यादा पैदावार हो, जल्दी हो। अब जरा अंदाजा लगाइए कि जो पानी लगाया उसमें भी जहर कंटामिनेटेड है, चाहे वो नदी नहर से लगाया या ट्यूबवेल से लगाया, तो उसमें भी जहर है। हमारी जमीन पंजाब की तकरीबन लोगों को मैंने रोते चिल्लाते सुना है कि हमने तबाह कर दी जमीन, पानी का लेवल नीचे चला गया, 300-400 फुट पे चला गया। लोग इस बात से भयभीत हैं कि ये रेगिस्तान में बन जाए आने वाले समय में। अब फल सब्जियों पे आ जाइए तो फिर उसमें वही पेस्टिसाइड, वही फर्टिलाइजर, फलों पे आ जाइए तो वही फर्टिलाइजर और वही पेस्टिसाइड, और फिर उनको तोड़ के पकाते हैं, केमिकल से पकाते हैं, केले को केमिकल से पकाते हैं, आम को केमिकल से पकाते हैं। तो अब जरा अंदाजा लगाइए कि जितने फल मिल रहे हैं मार्केट में या सब्जियां मिल रही हैं उनमें तो जहर है। हमारे यहां बॉम्बे में टेस्ट हुआ था, क्योंकि जो बाहर बॉम्बे के लगाते हैं तो उनमें लेड और आर्सेनल और पता नहीं क्या क्या चीजें वो बता रहे थे, वो सारा बहुत हैवी मेटल है और बहुत खतरनाक है। तो जो गंदे नाले से जाता है सब कुछ, उससे वो सिंचाई करते हैं और रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द भी लगाए बैठे और कुछ खेतों में भी उसकी सिंचाई करते हैं, लेकिन किसको क्या फर्क पड़ता है, वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं गंदे नाले में। इसके वीडियोस यूट्यूब पे पड़े होंगे, चैनल्स पे दिखाया गया, तो आप अगर देखें तो गंदे नाले में मूली और गाजर और सब्जियां धो के लाते हैं जिसमें केमिकल वेस्ट डायरेक्टली है, एक तो इसके अंदर से आया और उसके बाद में डायरेक्ट जो पड़ा उसमें धो के लाते हैं, किसी को परवाह नहीं है। तो फिर हमारे पास शिकायत करने का अधिकार क्या है। अब आप दूध पे आ जाइए, यानी सब्जियों में केमिकल है, जहर है। अभी आप आम लेके आइए, उसका टेस्ट देखिए कैसा है, दिखने में सुंदर होंगे वो। सेब जो आते हैं शुरू में कश्मीर से, हिमाचल से, जो उस बाग के मालिक हैं उन्होंने हमारे किसी मित्र को बताया, तो मुझे बता रहे थे कि प्लीज वो वाले मत खाना, हमने उसमें ऐसे केमिकल डाले होते हैं उसको तैयार करने के लिए, ऐसे फर्टिलाइजर डाले होते हैं कि जल्दी पक जाए ताकि महंगा बिके। जो शुरू में आम वगैरह आते सब बड़े महंगे बिकते हैं, वो सब ऐसी चीजें उसमें डाली होती है, उसमें इतना फर्टिलाइजर और इतने केमिकल डाले होते हैं और फिर केमिकल लगा के उसको पकाया होता है, दिखने में सुंदर लगते हैं, साइज भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जहरी जहर है। मैं खुद भी ऐसे चक्कर में ध्यान नहीं दिया, ऐसे आम ले आया था, मुझे फेंकने पड़े, एक तो उनका वो टेस्ट नहीं होगा। तो जो शुरू में ऐसे फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, मत लीजिएगा, बचिए उससे। जब आप नहीं खरीदेंगे और कंप्लेंट करेंगे दुकानदारों से, तो संदेश वहां तक जाएगा, वो जो अंधे हो गए हैं पैसा कमाने के चक्कर में, हम खरीदते हैं तो धड़ाधड़ सप्लाई करते हैं और वहां अंधी होड़ लगी है कि जल्दी उसको पका के मैं भेज दूं, चाहे जितना मर्जी जहर डालना पड़े, लोग मरते हैं तो मरें। तो हम लोग ला इलाज बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। दूध, जितना दूध सप्लाई होता है उससे कहीं कम दूध पैदा होता है, तो ये कहां से बनता है, सिंथेटिक दूध। दूध में यूरिया डालते हैं लोग फैट दिखाने के लिए, किसी को परवाह नहीं है, कुछ सोचता भी नहीं है। सिंथेटिक दूध बनाया जाता है, इसके वीडियो चैनल्स पे आए, लेकिन हमारे नेताओं को, हमारी सरकारों को कोई परवाह नहीं है। घी सिंथेटिक, आपको पता नहीं चलेगा, और तमाम मसाले, तमाम चीजें डुप्लीकेट, यानी मिलावटी, हर चीज मिलावटी है। इस मामले में हमारा देश नंबर वन निश्चित रूप से होगा पूरी दुनिया में, बेईमानी में, धोखाधड़ी में, मक्कारी में, हिपोक्रेसी में, दोगलेपन में, मिलावट करके अपनी मिट्टी को,
अपनी मातृभूमि को, जिसे हम मां कहते हैं, उसको तबाह करने में, अपने लोगों को मारने में मुझे नहीं लगता हमसे आगे कोई होगा। शायद कोई हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो इसका हल क्या है? जब हर चीज में जहर है, हवा में जहर है, इतना पॉल्यूट कर दिया हमने, सब पेड़ काट डाले, पानी में जहर है, यहां तक कि हमारी सोच में जहर है, हमारी सोच भी पॉल्यूट हो गई है, तो इसका हल क्या है? एक तो हम लोग अध्यात्म में लगे हुए हैं, जो सोच का पॉल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए कि ईश्वर की शरण में जाइए, नाम जपिए, भजन करिए। जैसे अभी 6 बजने वाले हैं तो हमने सत्संग करना है, सुमरण करना है 6 से 6:30 इंडियन टाइम के हिसाब से। तो मैं भी इस वीडियो को जल्दी वाइंड अप करूंगा ताकि मैं आधा घंटा सुमरण कर सकूं, उसके बाद हम लोग अरदास करते हैं। हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप धन गुरु नानक, उसके जरिए तमाम लोग हम दुनिया भर में बैठ के सुमरण करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कलेक्टिव जब प्रेयर होती है जल्दी सुनता है। तो इसके बचने का हल क्या है? एक तो जितने लोग कम से कम हमारे चैनल और हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप कम से कम अपने बच्चों के, अपने परिवार के भले के लिए ये सब खरीदना बंद करें। अगर आपको ऑर्गेनिक आप मांगे जाके वहां, जैविक हमको सब्जियां चाहिए, वो सुंदर नहीं होती हैं, अट्रैक्टिव नहीं होती, उनका साइज बहुत खूबसूरत नहीं होता, बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो खतरनाक नहीं है, वो घातक नहीं है, वो आपकी सेहत बनाएंगी, तो बेशक वो आपको महंगी मिले वो खरीदा करें। दूध के आप पता करें कैसे टेस्ट करना है, टेस्ट करें, विरोध करें, बायकॉट करें, बहिष्कार करें। ये जो नेता लोग हैं इनका विरोध करें, लेकिन उसके लिए हमको इकट्ठे होना होगा, एक होना होगा, एक हम है नहीं, हम लोग जो सरकारें हैं, हम लोग तो पार्टियों में बटे हुए हैं, चाहे वो पार्टी आपको बर्बाद कर दे उसको परवाह नहीं है। क्या ये लीडर्स, मैं रिश्वत वगैरह पे नहीं जा रहा हूं, भ्रष्टाचार पे नहीं जा रहा हूं, मतलब वो तो एक अलग विषय है कि जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, 5 साल के बाद में कभी भाई भतीजावाद आ जाता है और रिश्तेदारियों में वोट खरीद लेते हैं, दारू देके, चीजें देके आपके वोट खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने तो व्यापार किया है, काम हम क्यों करें? भाई काम तो तब करेंगे जब आपने हमको वैसे वोट डाला, हमको चुना हो, हमने तो पैसे देके वोट खरीदे हैं, हम फिर खरीद लेंगे, तो हमने धंधा किया है। अगर 10 करोड़ लगाया है तो हम 100-200 करोड़ कमाएंगे, तो फिर आपकी सड़कें नहीं बनेंगी। मैं देखता हूं कि वो फ्लाईओवर बना यहां नीलो कला में और उसकी रिपेयर हो रही थी, ये सड़क मैं चंडीगढ़ जाता हूं तो उसमें गड्ढे होते हैं, किससे शिकायत करेंगे आप? जिनके पास आपने शिकायत करनी है उनसे तो आपने पैसे लेके उनको वोट दिए हैं, वो तो धंधा कर रहे हैं, आप किससे शिकायत करेंगे? क्योंकि अगर 100 रुपया खर्च होना है तो उसमें बाकी तो सब बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को इसको देने हैं, उसको देने हैं, कैसे उसको टेंडर मिलेगा, और उसके बाद बचे उसमें 35 रुपए, उसने अपना भी कुछ बचाना है, तो पता लगा 100 में से जो लगने चाहिए थे वहां 25-30 रुपए लगे, तो टूटेगी वो, तो बनेगी बाद में, पहले टूट जाएगी, लेकिन किसी को शर्म नहीं है, ना कोई बोल सकता, क्योंकि हम तो पार्टियों में बटे हुए हैं, हम तो धर्मों में और धड़ों में बटे हुए हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, फिर हमारे पास तो शिकायत का भी कोई अधिकार नहीं है। जब तक हम एक नहीं होते, कम से कम अपने बचाव के लिए एक नहीं होते, तब तक कोई समाधान नहीं है। इनका बहिष्कार करिए, जो आपके यहां सब्जियां बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है, उसका विरोध करिए, इकट्ठे होइए मोहल्ला लेवल पे, कॉलोनी लेवल पे, अपनी सोसाइटी लेवल पे, अपने गांव के, अपने शहर के लेवल पे इकट्ठे होइए। अगर आप तमाशबीन बन के ऐसे देखते रहे, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई, यानी सब लोगों को मैंने बोलते सुना, भाई इसमें भी जहर, उसमें भी जहर, इसमें भी जहर, मैंने आपको गिनवाया कि कैसे जहर है। वो फैक्ट्रियां जिनका वेस्ट, केमिकल वेस्ट नालों में जा रहा, धरती के नीचे जा रहा है, वो फैक्ट्रियों का विरोध होना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, वो मार डालेंगे हम सब लोगों को। ये शत्रु हैं हमारे समाज के, शत्रु हैं देश के, शत्रु हैं, और हम कहते हैं ये इनके नाम पे बड़ी तरक्की हो रही है क्योंकि इतने कारखाने लग गए। अरे भाई, जहां फैक्ट्रियों का वेस्ट जाता है, चाहे वो शुगर फैक्ट्री क्यों ना हो, वहां फसलें नहीं होती हैं, तो चीनी बंद कर दें, ये जहर है। जितने भी ये तेल आप लेके आते हैं इनसे बचिए, सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, सबसे अच्छा है, ये नारियल का तेल, तो मिलावटी जो चीजें लेके आते हैं आप उनसे बचिए, जितना बच सकते हैं कुकर से बचिए, वो पकाता नहीं है, तोड़ता, ब्रेक करता, उसको ठंडा पानी मत पिया करें। ये जो सफेद पैकेट में आता है टाटा का नमक,
आयोडाइज उसको कहते हैं, आयोनाइज ऐसा कुछ बोलते हैं, उससे बचिए, वो भी जहर है, सफेद जहर है। सीधा नमक इस्तेमाल करिए, मोटा डली वाला इस्तेमाल करिए। तो ये जो तरह तरह के ऑयल्स आ गए आपको मिलते हैं, सूरजमुखी का और फलाना ढमाका, इनसे बचिए, ये सब जहर है। तो जब तक हम लोग कलेक्टिवली जागते नहीं, अवेयर नहीं होते, जब तक हम डिमांड नहीं करते, बहिष्कार नहीं करते, विरोध नहीं करते, तब तक हम बच नहीं पाएंगे। अपने अपने लेवल पे करिए भाई, बूंद बूंद से समंदर बनता है। मेरी बात जिन तक पहुंच रही है, कम से कम वो तो कोशिश करें, दुकानदार से मांगे, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं कि भाई ये चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इनसे बचें, ये नहीं खरीदनी है। ढूंढने से अगर भगवान मिल जाता है तो फिर आपको ऑर्गेनिक यानी जैविक सब्जियां या फल या अन्न कैसे नहीं मिलेगा? कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों को हौसला मिलेगा। बेशक थोड़ी महंगी होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां आपको सस्ती सब्जी मिली, देखने में सुंदर लगी या फल मिले, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपने डॉक्टरों पे और दवाइयों पे खर्च कर देना है। आपको तो आपकी बीमारी का भी पता नहीं चलेगा, आपकी किडनियां पैकअप हो गई, आपके घुटने चले गए, आपको शुगर हो गई, आपको हार्ट अटैक हो गया, यानी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि डायग्नोस नहीं हो पाती है, होती किसी यूरिया है दूध में, सिंथेटिक आपने घी इस्तेमाल किया, नकली घी, इतना जहर है फलों में, इतना केमिकल है फलों में, सब्जियों में, इतनी मिलावटी चीजें हम लोग खा रहे हैं, वो भी मार डालेंगी। हम सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब तक हम लोग कलेक्टिवली जागरूक होके विरोध नहीं करते, पहले तो जो आपको सप्लाई कर रहा उसी के पीछे पड़ जाओ, अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके बाद जो वहां के प्रशासन है वहां विरोध करिए, इकट्ठे होके अपनी एसोसिएशन बनाइए, इकट्ठे होके जाइए, सबको बताइए ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, हमने किसी के लिए नहीं करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए। तो जब आप जागरूक होके वो जो डुप्लीकेट सामान, मिलावटी सामान बेच रहे हैं उनका विरोध करेंगे, वो जो कारखाने वाले केमिकल वेस्ट नहरों में डाल रहे हैं, नदियों में डाल रहे हैं और नीचे डाल रहे हैं, उनका विरोध करेंगे, तो ये खबर वहां तक जाएगी। नेताओं का विरोध करेंगे, उनको घेरिए जब वोट मांगने आते हैं, उनको पता चले कि लोग अवेयर हैं, ये जो डुप्लीकेट सामान, ये जो मिलावटी सामान है, जहरीला सामान है, इसका बहिष्कार करते हुए उसको जलाइए, फेंकिए सड़कों पे। तो दुकानदार आगे पहुंचाएंगे बात कि लोग जैविक की मांग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की मांग कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिक वाले हैं, देखिए मुझे जब से पता चला तो मैं ऑर्गेनिक चीजें ढूंढता हूं, मुझे सप्लाई होती, मेरे घर पर आके देके जाते हैं, नाभा से वो सज्जन आता है। तो जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं, जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उनको सम्मान दीजिए, उनका सामान बेशक मान लीजिए आपको एक चीज 40 रुपए किलो मिल रही है, वो आपको 60 रुपए किलो दे रहे हैं, 20 रुपए किलो के पीछे हुआ, लेकिन आपने अपना 20 रुपए में परिवार बचाया बीमारी से, वरना आप डॉक्टरों के धक्के खाएंगे, जान अलग चली जाएगी, कष्ट अलग भोगेंगे और पैसा तो लगेगा ही, आजकल हर चीज इतनी महंगी है। तो आपने यहां 20 रुपए बचाए, लेकिन हो सकता है वहां आपको 2000 या 20,000 या 2,00,000 खर्च करने पड़े और जान फिर न बचे। तो इसमें कहां अकलबंदी है? जब कलेक्टिवली तमाम लोग जगह जगह कहेंगे हमको जैविक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, हमको मिलावटी नहीं चाहिए, उसका विरोध और बहिष्कार शुरू होगा, नारेबाजी शुरू होगी, अफसरों को मेमोरेंडम दिए जाएंगे, जिन भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की वजह से यह चल रहा है गोरख धंधा, उनके कान खड़े होंगे, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा, हम बच जाएंगे। और वो लोग जो जैविक खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खेती, उनको हौसला मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा उनको, वो प्रोत्साहित होकर और पैदा करेंगे, बाजार में आएंगी वो सब्जियां, वो फल और वो अन्न, धीरे 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 आप देखेंगे कुछ ही समय में, मुझे लगता है 1.5 साल में कायाकल्प हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात ये पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि हम सबको जागना होगा, अन्यथा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और हम सब लोग धीरे धीरे बेमौत मारे जाएंगे। हमको तो बीमारियों का पता भी नहीं चलेगा, हमने जो चीजें सेहत के लिए खाई वही जहर थी, उन्होंने हमको बर्बाद कर दिया,
और पता भी नहीं चला कारण क्या था, और हम दवाइयां डॉक्टरों के पास भागते हुए और इलाज कराते कराते कर्जाई होके कर्जदार होके मरते हैं, और बाद में हमारी दूसरी पीढ़ी भी कर्ज उतारती उतारती मर जाती है, और वो भी किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, फिर वो भी उसी कुचक्र में फंस जाते हैं, उनकी भी मौत उसी तरह से होनी सुनिश्चित हो जाती है। अगर ये बात आपकी पकड़ में आई तो निश्चित रूप से आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि हम कितने बड़े भयानक कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम नहीं जागते हैं सचेत नहीं होते हैं तो हमारे बचाव का और कोई रास्ता नहीं है, हमको खुद ही इकट्ठे होके अपने बचाव के लिए आवाज बुलंद करनी होगी, संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।